हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे जो कि क्वेश्चन लेके आया हूँ, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ संविधान संशोधन से, जो कि हर शिफ्ट में जो कि पूछा ही जा रहा है क्वेश्चन यहाँ से, जो कि 1 से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली हर शिफ्ट में यहाँ से डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से जो कि क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन बनना तय है। यहाँ पे वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछने होगा और हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन डेफिनेटली हर शिफ्ट में रोज़ पूछे ही जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 3 में, या भाग 8 अनुच्छेद 239, या भाग 22 अनुच्छेद 336, या भाग 20 अनुच्छेद 368 में। तो संविधान के जो कि भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो कि इसमें बताया गया है, इसका उल्लेख किया गया है भाग 20 अनुच्छेद 368 में। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन निम्न में से कौन सी धारा के अंतर्गत होता है? तो धारा 361 के अनुसार, धारा 386 के अनुसार, या धारा 368 के अनुसार, या भारत 390 के अनुसार। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए, सॉरी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। धारा 368 के अनुसार यहाँ पर भारतीय संविधान में जो कि संशोधन में जो कि धारा जो कि धारा 368 के अनुसार यहाँ पे संशोधन के जो कि बारे में बताया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से कौन से संविधान संविधान लिया गया? तो संसदीय प्रणाली, संविधान संशोधन, या मूल अधिकार, या मूल कर्तव्य। तो जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, संविधान संशोधन जो कि आपके यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो 2, 3, 4 या 5। तो टोटल 3 जो कि संविधान संशोधन 3 प्रकार से यहाँ पे किया जाएगा, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया गया है? तो संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल। तभी संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम जो कि प्रस्तुत किया गया था संसद में प्रस्तुत किया गया था, इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत, राज्यों का अनुमोदन, या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए जो कि जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे साधारण बहुमत कहते हैं, तो इसका यह ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, पहला भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो 1950, 1951, 1952 या 1953। तो पहला जो कि भारत के संविधान में पहली बार संशोधन जो कि आपका 1951 में किया गया था, इसका भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन सभी आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो चैनल अच्छा लग रहा है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ, पहली संविधान संशोधन अधिनियम किससे चूँकि संबंधित था? तो देश की सुरक्षा से, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था, या भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, या स्थानीय स्वायत्त शासन से। तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका कुछ राज्यों में राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था, जो कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम जो कि इसका भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। नवा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो 11, 12, 14 या 18। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। तो यहाँ पे 11 जो कि 11वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना यहाँ पे आवश्यक नहीं थी। तो यह संविधान संशोधन 11 के तहत यह व्यवस्था की गई थी, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दसवां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो 14, 18, 22 या 35। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 18।
तो जो कि 14वें संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को और पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जो कि 14वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका ए 16 इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 18वें संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य और पुनर्गठित करके पंजाब और हरियाणा राज्य चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। 11वां क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो 15वीं, 16वीं, 20 या 21? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि 21वीं संविधान की, जो कि यहाँ पे तो संविधान की जो कि 21वीं जो कि अनुसूची में सिंधी भाषा को जो कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गए थे। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 21वीं अनुसूची के द्वारा। 12वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 की गई थी? तो 30, 31, 32 या 33? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 31वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि अधिकतम अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 545 की गई थी। तो यहाँ जो कि यहाँ पे 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा जो कि किया गया था? तो 42, 24वें या 44वें या 45वें? तो संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संशोधन के जो कि आपका इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 24वें संशोधन द्वारा किया गया। तो इसका 24 सही आंसर हो जाए। इसके तहत मौलिक अधिकारों को संशोधन करने का अधिकार संविधान के आपके 24वें संशोधन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? 24वें संविधान संशोधन, 25वें संविधान संशोधन या 42वें संविधान संशोधन या 44वें संविधान संशोधन? तो भारतीय संविधान की जो कि प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो कि शब्द को आपके यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। क्वेश्चन कई बार हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 42वें जो कि संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य की समवर्ती सूची में लाया गया? तो 24, 25, 36 या 42? तो शिक्षा को आपके जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य की समवर्ती सूची में जो कि शामिल किया गया या लाया गया है। तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि समवर्ती सूची में लाया गया है शिक्षा को। तो इसका डी ऑप्शन 42 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जो कि सम्मिलित किया गया? तो 41वें, 42वें, 43वें, 44वें? तो भारतीय संविधान में जो कि यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जो कि मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है, तो वह 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है, जो कि हर शिफ्ट में यहाँ से 1 से 2 3 क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली हर शिफ्ट में रोज पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन कराया जा रहा है। संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो कि संशोधित किया गया है? तो 31वें, 34वें, 42वें या डी है 44वें? तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना को जो कि मुख्य रूप से 42वें जो कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया था, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे 42 सही आंसर हो जाएगा, इसके द्वारा संशोधित किया गया था प्रस्तावना को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो 41वें, 42वें, 43वें या 44वें? तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय संविधान के 42वें जो कि संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है आपके 42वें संविधान संशोधन में। तो इसका बी ऑप्शन 42वें सही आंसर हो जाएगा।
संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया, तो 42वें संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन या 44वें संविधान संशोधन या डी 45वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44वें, जो कि संविधान संशोधन द्वारा इस अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या को जो कि 7 से घटाकर 6 कर दिया गया है, जो कि हमारा अब घट के 6 हो गया है, अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। तो यह जो कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर अब 6 कर दिया गया है, तो वर्तमान में 6 ही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से जो कि हटाया गया है, तो 24वें, 42वां, 44वां या 48वां। तो यहाँ पे संविधान जो कि, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संविधान के 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से जो कि हटाया गया है, तो यह 44वां जो कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया, तो इसका सी ऑप्शन 44वां इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 44वां जो कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया है। तो ये हर शिफ्ट में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आज का जो कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार जो कि रिवीजन कीजिए, बार बार एक से दो बार वीडियो को देखिए तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, और जाके अच्छा जो कि करेक्ट कौन सा आंसर लगा के आइएगा। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, ज़रूरतमंदों तक एक शेयर कीजिए। थैंक यू।